तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1620x। ये -15 को आप ट्रांसफर करोगे, 15 प्लस 9 24, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 24 अपॉन 1620। ठीक है, इसको आप कैंसिल करोगे, 4 6 24 4 4 16 0 4 0 5, तो 6 अपॉन 4 0 5 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा किसका, x का। Eagle Coaching Center, an Institute of Science and Commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, SCF एंड LCM। लास्ट वीडियोस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, फिर हमने बात करी थी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, नेक्स्ट हमने डिस्कस करा एक्सपोनेंट लॉस, फिर उससे प्रीवियस हमने क्वेश्चंस और डिस्कस करे थे, नेक्स्ट फिर हमने बात करी किसकी, अपना रेशनलाइजेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो SCF एंड LCM को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें SCF की, तो SCF क्या है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, LCM क्या है आपके पास, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे क्वेश्चन अगर हम लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए इसका, क्वेश्चन गिवेन है आपको SCF ऑफ 506 एंड 1155 इज। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूज करना है इसमें। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हुए आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, इसके क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा उसका, एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज करना है आपको, कैलकुलेट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो ये क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर आपका क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल होगा जीरो के, और लेस होगा किसके, बी के। क्लियर, आर क्या होगा, जीरो हो सकता है, या ग्रेटर होगा किसके, जीरो से, और लेस होगा किसके, बी से। ठीक है, बी क्या है आपके पास यहाँ पे, बी आपके पास है डिवाइजर। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, 506 डिवाइजर, और 115 क्या है आपके पास, डिविडेंड। क्लियर, वन ये ए क्या होता है आपके पास, डिविडेंड, ये क्यू क्या है, कोशेंट, बी क्या है, डिवाइजर, आर क्या है, रिमाइंडर। क्लियर, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो 1155 इक्वल टू 506 इनटू क्या करोगे आप, जिससे आपके पास कोई वैल्यू क्वेश्चन की आ जाए और कुछ रिमाइंडर आपका लेफ्ट हो। ठीक है, रिमाइंडर अगर जीरो के लेफ्ट है, जीरो के इक्वल आ गया, तो 506 इसका फैक्टर है। ठीक है ना, चलिए वो हम डिस्कस करेंगे पॉलीनोमियल में नेक्स्ट। क्लियर, अभी हम सिर्फ SCF यहां पे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। पॉलीनोमियल इसको डिस्कस करते हैं। तो 1155 को आप डिवाइड करोगे 506 से, तो वैल्यू क्या होगी, 506 इंटू 2 कितना होगा आपके पास, 1012। वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 0 1। क्लियर, तो 143 आपके पास ये वैल्यू आ गई रिमाइंडर की। तो यहां पे आप पुट करोगे 2 प्लस रिमाइंडर क्या लेफ्ट है आपका, 143। अब इसको आपको क्या करना है, डिविडेंड लेना है 506 को, और डिवाइजर क्या होगा आपके पास, 143। ये डिविडेंड होता है आपके पास, ये डिवाइजर होगा आपके पास, ये क्वेश्चन होगा, और ये आपके पास रिमाइंडर होगा। क्लियर, तो इनटू आप किससे करोगे, तो यहां पे आप लिखोगे 506 143 इनटू 3 143 इनटू 3 कितना होगा, 339 3 4 12, 3 2 3 1 3 4 4 2 9, तो यहां पे आपका मल्टीप्लाई होगा 3 से, रिजल्ट आ जाएगा 429। 16 माइनस 9 7, नेक्स्ट 49 माइनस 42 डेट इज 7, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 143 इनटू 3 कितना आ गया आपके पास, 429, और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 77। नेक्स्ट ये आपके पास डिविडेंड हो जाएगा, फिर 77 इंटू 1 77, 13 माइनस 7 कितना होगा आपके पास, 7। ठीक है ना, 6 13 माइनस 7, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 77 इंटू 2 क्या होता है आपके पास, 143। देखिए 77 इंटू 2, 7 टू ज़ा 14 154 होगा। तो इसको आप क्या करोगे, 77 इंटू 1 करोगे आप, 77 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट 13 में से 7 को लेस करेंगे, आपके पास वैल्यू लेफ्ट होगी 6, 13 में से 7 लेफ्ट क्या होगा, 6, तो 77 इक्वल टू 66 इंटू 1
प्लस कितना वैल्यू लेफ्ट होगी आपके पास 11, 66 डिविडेंड होगा 11 इंटू 6 प्लस 0, तो 11 जो भी आपके पास जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा उस केस में यहाँ पे जो डिवाइजर होगा क्या होगा डिवाइजर वो आपका क्या होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है 11, क्लियर। तो हमें कोशेंट को नहीं लेना है, हमारे पास क्या होगा आंसर डिवाइजर जो भी होगा आपका जब आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए 0, क्लियर। तो ये बेसिक सी आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसमें आपके पास क्या स्टेटमेंट है ए आपके पास डिविडेंड बी इक्वल है बी क्यू प्लस आर के और आर ग्रेटर और इक्वल होगा 0 के और लेस होगा किसके बी के। नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं हम इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन लिखिए इफ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 657 एंड 963 is in the form 657x plus 963x minus 15। देखिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 657 एंड 963 इज इन द फॉर्म 657x प्लस 963x माइनस 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लियर। तो आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो 963 इक्वल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर है हमारे पास 657 इंटू वन जा प्लस रिमाइंडर क्या होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 657 इंटू वन 657, 963 में से आप 657 को लेस करोगे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 13 माइनस 7 6, ठीक। यहाँ पे 5 माइनस 5 0 और यहाँ पे 9 माइनस 6 3, तो 306 आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर। नेक्स्ट 657 नेक्स्ट केस में क्या होगा डिविडेंड और ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइजर इंटू क्वेश्चन क्या होगा आपके पास यहाँ पे 306 इंटू 2 जा कितना होता है आपके पास 612, तो 612 आपका लेस होगा 657 में से, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 1 4, 45 क्या होगा हमारे पास इसका रिमाइंडर। तो अभी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, फर्दर ये क्या होगा आपके पास डिविडेंड और 45 क्या होगा आपके पास डिवाइजर, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 45 किससे जाएगा आपके पास यहाँ पे 7, 7 5 35, 7 4 28 31, 31 5, तो ये किससे जाएगा 45 into 6, 5 6 30, 5 6 4 24 270, तो 45 into 6 270 होता है। और यहाँ 306 में से जब आपके पास ये वैल्यू लेस होगी 6 माइनस 0 6, 30 माइनस 27 3, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा आपके पास 45, नेक्स्ट केस में डिविडेंड और डिवाइजर क्या है 36 into 1 प्लस 45 माइनस 36 डेट इज 9, अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 4 प्लस 0, 0 के आगे रिमाइंडर, और इस केस में ये नंबर क्या है आपके पास डिवाइजर क्या है 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपके पास 9, क्लियर। बस आपको जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना कैलकुलेट करना है। अब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक। तो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो 9 को आप इसके इक्वल कर दिए, ये एक्स एक्स है ऐड कर दिए 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 5 11, 1 कह रही था उसमें तो 11 प्लस 1 12, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16, 1620x माइनस 15, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1620x, ये माइनस 15 को आप ट्रांसफर करोगे 15 प्लस 9 24, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 24 अपॉन 1620, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे 4624 4416 0405, तो 6 अपॉन 405 हमारे पास क्या होगा आंसर होगा किसका x का, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, और फर्दर ये कैंसिल हो सकता है आपका 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 2 बाई 135 इज द वैल्यू ऑफ x, क्लियर। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है SCF एंड LCM का, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है। मतलब कंटिंजेंट आपको यहाँ पे गिवन है, कंटिंजेंट कितने यहाँ पे कंटिंजेंट है 616 मेंबर्स, ओके। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे बैंड, बैंड में कितने आपके पास
32 members. आगे क्वेश्चन कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. दोनों जो ग्रुप है आपके पास वो क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. ये कंडीशन आपको गिवेन है क्वेश्चन में, ठीक है. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में, ठीक है, दोनों ग्रुप्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें ये मार्च करेंगे. तो आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम पूछा गया है. क्या पूछा गया है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम आए आपके पास, ग्रेटेस्ट पूछा जाए, ठीक है, लॉन्गेस्ट पूछा जाए, सबके लिए वर्ड क्या यूज होगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा होगा वो आपसे, एस सी एफ कैलकुलेट करने के लिए. तो एस सी एफ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 616 और 32 का एस सी एफ क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप अप्लाई करो. 32 क्या है, डिवाइजर. 616 क्या है, डिविडेंड. इन टू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 616 32 किससे जाएगा आपके पास, 32 नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 31 6 को कैरी करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे 32 into 9 कितना होगा, 9 to 18 9 3 27 28 क्या आ जाएगा, 288. इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 16 minus 8 8, ठीक है, 30 minus 28 2, तो 28 क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर. तो 32 into 19 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 28. अभी रिमाइंडर जीरो तो है नहीं, तो एस सी एफ कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइजर. 28 into 1 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर, 4. नेक्स्ट केस में 28 क्या होगा आपके पास, डिविडेंड, और 4 क्या हो जाएगा, डिवाइजर. इन टू 4 7 से 28 अब आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो. तो 4 हमारे पास जो क्वेश्चन डिवाइजर है, ठीक है, जो डिवाइजर है आपके पास वो क्या होगा आपके पास, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 616 और 32 का. तो 4 हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, जिसमें दोनों ग्रुप मार्च करेंगे. क्लियर. तो सिंपली आपको जहां पे भी आपको गिवन है मैक्सिमम, ठीक, ग्रेटेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, उस केस में आप क्या कैलकुलेट करोगे, एस सी एफ. जिस केस में आपको गिवन है स्मॉलेस्ट, ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम, इस केस के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे अपना, एलसीएम. तो एलसीएम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए. क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर सिक्स इन ईच केस. ठीक है, इन ईच केस. चलिए यहां पे आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है. आपको बताया लार्जेस्ट नंबर हो, मैक्सिमम नंबर हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हो, सबके लिए क्या कैलकुलेट करना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहां पे एससीएफ आप कैलकुलेट करोगे. अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे वो लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है इन दो नंबर को, और रिमाइंडर क्या दे रहा है, 6. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हुआ, 615 और 963 डिवाइड हो रहा है किससे, इस लार्जेस्ट नंबर से, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6. तो अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो वो वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो डिवाइड हो रही होगी, वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, 615 में से आप 6 को माइनस करोगे. क्लियर. दोनों केस में आपका लेफ्ट है ना रिमाइंडर, सेम है 6. इसी तरीके से 963 में से आप 6 को लेस करेंगे, क्या वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे, 609 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपके पास, 957. क्या होगी वैल्यू, 957. अब इन दोनों का आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जो डिवाइड कर रहा होगा इन दो नंबर को. तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 957, 609. ठीक है, तो डिविडेंड क्या होगा, 957, डिवाइजर क्या होगा आपके पास, 609 इंटू 1 प्लस वैल्यू क्या लेफ्ट होगी, 7 minus 9 79, कितना होगा, 8. उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, 17, 6 4 minus 0 4, नेक्स्ट 9 minus 6 9 minus 6 3. नेक्स्ट केस में ये क्या होगा आपके पास, डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइजर, 348. क्लियर. 348 इंटू 1 करोगे आप, प्लस 9 minus 8 1, 60 minus 34 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 60 minus 34, ये हो जाएगा आपके पास 26. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 348 = 261 divisor होगा into 1. नेक्स्ट केस में 8 minus 1 7, 34
माइनस 26 कितना हो जाएगा आपके पास 8, 261 नेक्स्ट केस में डिविडेंड 87 इंटू कितनी वैल्यू होगी आपके पास 3, 87 इंटू 3 कितना होगा 7321, 8324, 26, तो 261 आपके पास आ जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगी आपका 0. सो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपके पास 87. ओके, सो आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दो नंबर को डिवाइड कर रहा होगा वो क्या है 87, और रिमाइंडर क्या लेफ्ट करेगा 6. क्लियर? तो इन सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना है. रिमाइंडर को लेस कर दिया हमने, नंबर आ गया, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया, लार्जेस्ट नंबर आ गया आपके पास. ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आ गया जो डिवाइड कर रहा है इन दो नंबर को. यहाँ पे डिवाइड करने पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की 87. ओके, सो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने एलसीएम का टॉपिक. क्लियर? थैंक यू.